हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह भाई। लोगों को आवाज़ तो सही आ रही होगी, आई होप। यूजुअली पिछले 2 दिनों में ये पहली बार हुआ है कि मैं फिर दोबारा मोबाइल फ़ोन से लाइव आया हूँ। मैं ऐसा करे वो बहुत दिन हो गए थे। वैसे एक चीज़ तो है, मोबाइल फ़ोन से जब लाइव आता हूँ तो लोग ज़्यादा जुड़ते हैं, और ज़्यादा लोग इसको मोबाइल पे ही देखते हैं, तो अच्छा लगा। खैर, नरेंद्र मोदी 11 तारीख के दिन एक इंटरव्यू में अपना मजाक बनाए, देश का मजाक बनाए, वो पद का मजाक बनाए जिसके ऊपर वो बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री की कुर्सी की गरिमा नहीं रखते हैं वो। सारे प्रधानमंत्री अब तक जो देश में गुजरे हैं उन तमाम का मजाक बना के रखा हुआ है। दो चीजों के वास्ते मैं लाइव आया हूँ। पहली चीज, बालाकोट 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 करके बालाकोट के नाम पे भीख मांग रहे हैं, बालाकोट का सारा क्रेडिट अपने आप पे ले रहे हैं, तो ये क्रेडिट भी लें। नरेंद्र मोदी एक नंबर का झूठा आदमी है, एक नंबर का झूठा आदमी है। इससे बड़ा झूठा तुम्हें देश में कहीं नहीं मिलेगा। सब ये बोलते हैं फेकू, नहीं ये फेकू नहीं, ये झूठ बोलने वाला झूठा आदमी है, बहुत बड़ा झूठा है। ऐसा झूठा तो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। यूएस रिपोर्ट कंफर्म करती है कि बालाकोट वाज अ शैम, बालाकोट वाज नथिंग बट अ शैम क्रिएटेड बाय भारतीय जनता पार्टी एंड एसोसिएट्स इन आरएसएस विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और इंस्टीट्यूशनल बॉडीज और मिलिट्री। देखो, हर अभी नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू सुनो। नरेंद्र मोदी इंटरव्यू में कह रहे हैं कि वो कमांड सेंटर में बैठे हुए थे, वार जोन में बैठे हुए थे, वार रूम में बैठे हुए थे, बैठ के उन्होंने निर्देशन दिया, उनके निर्देशन पे वो, अभी मजाक तो है, मजाक तो ये बना हुआ है कि बादल बारिश और रडार का जो उन्होंने संवेक्षणा दी है उसको बड़ा गौर से सुनो तो तुम बहुत हंसोगे। वो विज्ञान विज्ञान तो ज्यादा जानते नहीं है, लेकिन झूठ बोलना कम से कम, जिस तरह का झूठ बोल रहे हैं, लोगों की सहनशीलता देख के झूठ बोले, ताकि लोगों के जितना बर्दाश्त हो सकता है उतना ही झूठ बोले नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब आपको एक बात बताता हूँ। ठीक है, कारगिल वॉर हुआ था 90s में, एट द एंड ऑफ 90s कारगिल वॉर हुआ था। कारगिल वॉर में प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, सब मानते हैं वो अच्छे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अच्छा शासन किया है, उनके शासन में देश की उन्नति हुई है, प्रगति हुई है, एक अच्छा देश उभर के आया है। अब आपको एक बात बताता हूँ जो नरेंद्र मोदी शायद जानना भूल गए, या शायद उनके उनके जो पिट्ठू बैठे हुए हैं जो उनके साथ काम करते हैं उन्होंने बताना भूल गया, या वो बताना भूल गए कि जब कभी भी अगर आप देश के बाहर किसी भी किस्म का मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, या उसमें प्रधानमंत्री या चीफ ऑफ स्टाफ या चीफ ऑफ आर्मी अगर इन्वॉल्व है, या डिफेंस मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो देर इज अ प्रोटोकॉल, देर इज अ प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल हर देश में यह फॉलो किया जाता है। ठीक है, प्रोटोकॉल ये है कि जैसे ही कमांड सेंटर में सारे जमा होते हैं तो वहां पे एक तस्वीर ली जाती है, ड्यूरिंग द ऑपरेशन एक तस्वीर ली जाती है, और एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन एक तस्वीर ली जाती है, शेकिंग हैंड्स और डिस्कसिंग अबाउट व्हाट एवर द आउटकम इज। प्रधानमंत्री वहां पे मौजूद ही नहीं थे, पहली चीज। प्रधानमंत्री वो ऑपरेशन के अंदर मौजूद ही नहीं थे, उनको पता भी नहीं था कि ऐसा कोई ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है, वो ऑपरेशन तो पहले तो बहुत बड़ा शैम है, वो बहुत बड़ा शैम है। उसका डिटेल रिपोर्ट टाइम की मैगजीन के अंदर डिवाइडर इन चीफ जो दिया गया ना, वो रिपोर्ट जो ऑनलाइन रिलीज हुई है वो पूरी रिपोर्ट नहीं है, गौर से सुनो। ऑनलाइन जो टाइम की रिपोर्ट रिलीज हुई है, जो आर्टिकल रिलीज हुआ है, दैट्स नॉट द फुल आर्टिकल, दैट इज नॉट द फुल आर्टिकल। द फुल आर्टिकल विल बी पब्लिश्ड एंड रिलीज, इट्स ऑलरेडी पब्लिश, इट विल बी रिलीज ऑन 20th of May, अ डे आफ्टर द इलेक्शन ऑफ नरेंद्र मोदी।
19 तारीख के दिन इनका इलेक्शन है, 20 तारीख के दिन वो रिलीज होगी। तो 20 तारीख के दिन जो रिलीज होगी वो रिपोर्ट उठा के पढ़ो, उसके अंदर साफ तौर पे डिटेल में इसकी पूरी डिटेल दी गई है कि किस तरह बालाकोट का इस्तेमाल किया गया एक बाय मिस्टेक मिसफायर्ड ऑपरेशन का, किस तरह से इनके स्टाफ द्वारा, किस तरह से यू नो डिफेंस सेक्रेटरी द्वारा, किस तरह से यू नो रॉ चीफ डोगला डुक्कल के द्वारा किस तरह से इसका इस्तेमाल किया गया चुनाव में अपना फायदा लेने के लिए, जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है उसके अंदर पूरी डिटेल पड़ी हुई है। टाइम मैगजीन के जो कवर की आज कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा है ना, उसकी पूरी स्टोरी में हाइलाइटेड पॉइंट बालाकोट है और बालाकोट का पूरा सच जो देश के साथ कभी भी अभी तक शेयर नहीं किया गया, उसका पूरा सच उसके अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके अंदर पड़ा हुआ है। 19 तारीख के दिन इनका चुनाव खत्म हो रहा है, 20 तारीख के दिन वो रिलीज हो रही है। अब आपको दूसरी चीज बताता हूँ, ओबामा, बराक ओबामा और उसामा बिन लादिन का जो ऑपरेशन हुआ था एबटाबाद में, तो वो उसने भी ये प्रोटोकॉल फॉलो किया था, क्योंकि तकरीबन देश ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। इफ द कमांडर इन चीफ इज इन द वॉर रूम तो दे टेक पिक्चर्स व्हेन ही एंटर्स ड्यूरिंग द ऑपरेशन एंड एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन। अब नरेंद्र मोदी का कोई ऐसी तस्वीर है, कोई तस्वीर खींच के डालोगे तो उसका मेटा डेटा से कब ली गई थी तस्वीर, उसका पूरा के दोबारा अगर कोई तस्वीर खींच के, ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि तस्वीर फिर खींच के उसको उसकी तस्वीर है या उस दिन की तस्वीर है 26 तारीख की तस्वीर करके, ये गलती हरगिज मत करना, ये गलती हरगिज मत करना। तो बहुत सारे कॉल्स एक के पीछे आना शुरू होते हैं, तो इत्तेफाक से काटने के बाद में भी लोग कॉल करते हैं। क्या कहा भाई, किसने कहा वो? तो ये एक हकीकत है। ठीक है, 19 तारीख के दिन का चुनाव होने दो, 20 तारीख के दिन टाइम्स की जो मैगजीन निकलेगी उसको लेके पढ़ना जरूर, उसके अंदर तुम्हें पूरी डिटेल मिलेगी बालाकोट की सच्चाई की, तकरीबन डिटेल मिलेगी बालाकोट की सच्चाई की। और एक चीज भाई, बहुत अच्छी चीज, यूएस एक हद तक ally है। ठीक है, अब ये प्रधानमंत्री है तो वो पद की गरिमा के कारण इनको नंगा नहीं किया, प्रधानमंत्री है पद की गरिमा के कारण नरेंद्र मोदी को यूएस ने अभी तक नंगा नहीं किया। लेकिन आप ये बात याद रखना कि जिस लम्हा ये हार गए, और उनको ये पता है यूएस गवर्नमेंट के पास, यूएस इंटेलिजेंस के पास इतनी तो खबर है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इलीगल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दोबारा वापस नहीं आएंगे, तो अब यूएस भी इनके सर से अपना हाथ उठा लिया है। अब इनकी सच्चाई अब देश के सामने आएगी। देखो, देश का मजाक बनाया जा रहा है, वो पद आ रहा है नरेंद्र मोदी द्वारा, देश के करोड़ों लोगों का मजाक हो रहा है इनकी अज्ञानता की वजह से, इनकी अना की वजह से, इनका जो मैं हूं ना वो मैं की वजह से देश का मजाक हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ देश का मजाक हो रहा है। तो ये आप लोगों को सोचना चाहिए, देश की गरिमा एक इंसान की वजह से नहीं है, देश की गरिमा एक इंसान की वजह से नहीं है, देश की गरिमा देश के लोगों की वजह से है। जितने लोग जो आज ठहर के इनको देख रहे हैं, इनके ऊपर हंस रहे हैं, सिर्फ हमारे देश में लोग नहीं हंस रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग हंस रहे हैं इनकी अज्ञानता पे, पूरी दुनिया में लोग हंस रहे हैं इनकी मूर्खता पे, इनके झूठ पे, इनके असत्य पे, पूरा देश हंस रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हो, भारत माता की जय बोलने वालों, आप लोग क्या चाहते हो कि सारी दुनिया भारत का मजाक बनाए, भारत माता का मजाक बनाए? अरे आप लोग क्या चाहते हो भाई, आप लोग क्या चाहते हो? एक आदमी के सर पे बिठाने की वजह से ये सर पे बैठ के सबके कानों में मूत रहा है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा ये चीज कि ये बंदे की वजह से सारा भारत बदनाम हो रहा है, मजाक का पात्र बना हुआ है आज भारत देश, सिर्फ और सिर्फ मजाक का पात्र बना हुआ है। आप इंटरनेशनल मीडिया में उठा के देखो, आप इंटरनेशनल ट्विटर अकाउंट्स पे उठा के देखो, पीपल आर मेकिंग फन आउट ऑफ इट। हर कोई, हर दूसरा बंदा इसका मजाक बना के रखा हुआ है। अरे किस हद तक जाएगा?
टाइम मैगजीन के कवर पे ये तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी छपे हैं। जो पहली मर्तबा छपे थे वो अलग था, मोदी मैटर्स वाला अलग था, आज डिवाइडर इन चीफ का लखब लेके वो टाइम्स मैगजीन पे छपे हुए हैं, कवर स्टोरी बनी हुई है उनकी। और ये कवर स्टोरी पढ़ने नहीं लायक है, इनके काफी सारे चिट्ठे निकल के आएंगे उसमें से, इनके काफी सारे चिट्ठे निकल के आएंगे। टाइम दुनिया का हर हर मुल्क पढ़ता है। वक्त एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छों को सबक सिखाती है। खैर, कोई दूसरा सबक सिखाए ना सिखाए, इनका सच और इनका झूठ और इनका चोरी कर रहा हुआ पैसा, वो तो मैं लेके आऊंगा, वो तो मैं लेके आऊंगा। तो भाई एक बार ना अपने जहन को खोलो, ये अज्ञान व्यक्ति के चरित्र को देखो। मैं इनके ऊपर कोई लांछन नहीं लगाना चाहता, ये लांछन वाले ही आदमी हैं, इनके ऊपर अब लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, लांछन लगाने के लिए अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ भी नहीं बचा इनके पास। तो इनके ऊपर लांछन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन हंसी इस बात पे आ रही है कि हम भी उन हंसने वालों में से हो गए जो देश के प्रधानमंत्री की गरिमा पे हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि देश का प्रधानमंत्री, लीगल प्रधानमंत्री, देश की फिक्र नहीं करता, देश की इज्जत की कोई फिक्र नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने लिए, मैं। हरनाक्ष का हिसाब हो रहा है ये तो, अपनी अना में, अपनी अना में। तो भाई हर एक का वध करने के लिए भगवान किसी ना किसी को प्रहलाद बना के पैदा करता है। मैं प्रहलाद नहीं हूँ, ना मैं नरसिम्हा हूँ, लेकिन मैं वो ईवीएम निकला, या वो ईवीएम इनका प्रहलाद निकला, या वो ईवीएम इनका नरसिम्हा निकला, और इनकी अज्ञानता, इनकी मूर्खता, इनकी सेल्फ प्रशंसा प्रशंसा करने का जो भूत इनके ऊपर सवार है ना, ये पहले चौकीदार बने, अब जमादार बन गए, सफाई अभियान चला रहे हैं। जो सफाई अभियान गंगा के लिए चलाया था उसका क्या हुआ, उसके बारे में तो कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन आतंकवाद के सफाई की बात करते हैं। जो खुद आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं वो आतंकवाद की सफाई की बात करते हैं। तो इनकी इनकी पूरी डिटेल स्टोरी पढ़ो, पढ़ने से पहले इस बात का यकीन रख लो कि नरेंद्र मोदी हार चुके हैं, दूंगा नहीं। तो बरहा आप लोग अपनी अपनी आंखें खोलें और इसके ऊपर तवज्जो दें। US report confirmed that Balakot was a sham created by Defense Secretary, Air Force Secretary, and people in PMO's office. And he was nowhere to be found in the operations. He was nowhere to be briefed in the operations. और ऐसी कोई तस्वीर अगर ये लेके आएंगे, हम ये नहीं पूछ रहे कि बालाकोट में कितने मरे, कितने मरे, मरे हैं ना, बहुत अच्छी बात है, वेल गुड। हाँ, आपने आतंकवादी मारे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आतंकवादियों को मारना चाहिए, मारे। अगर देश की सुरक्षा की बात आ रही है, आतंकवादियों को मारना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मारो। जितने आतंकवादी निकल के आ रहे हैं उनको मारो, लेकिन उसका शय तुम मत लो, तुम जवान नहीं हो। और जवानों, तुम्हारी अगर बीवी को कोई दूसरा अपनी बीवी बताए तो तुम सुनते हो क्या? अगर तुम्हारी बीवी को कोई आके ये बोले कि ये तो मेरी बीवी है, ये तो मेरे बच्चे हैं, तो तुम सुनोगे? किसी भी मर्द के लिए ये बिल्कुल भी बर्दाश्त का मादा नहीं होता है। अगर किसी और शख्स ने उसकी बीवी को अपनी बीवी कहा, तो जब तुम्हारी बीवी को कोई दूसरा अपनी बीवी कहे तो तुम्हें तकलीफ होती है ना, उसी तरह तुम्हारे योगदान को कोई अपना योगदान कहे तो तुम्हें उस तरह की तकलीफ होनी चाहिए, तुम्हें भी उस तरह की तकलीफ होनी चाहिए। अगर सरहद के ऊपर ठहर के कोई एक जवान सरहद की सुरक्षा के लिए, देशवासियों की सुरक्षा के लिए ठहरा है, तो उसका श्रेय नरेंद्र मोदी को नहीं जाता है, उसका श्रेय भारत के संविधान को जाता है, भारत के लोगों को जाता है, उस जवान को जाता है। परमवीर चक्र इनको नहीं दिया जाएगा। अगर कोई शहीद होता है तो उसको उसका चक्र ये नहीं लेंगे, उसकी फैमिली को जाएगा। अगर वीरता का चक्र मिलता है तो जवान को मिलता है, मोदी को नहीं मिलता। मोदी तो इतना डरपोक है, अगर है हिम्मत तो इंटरनेशनल प्रेस को इनवाइट करें, बैठ के उनके सवालों का जवाब दें। इनके पास इतनी हिम्मत तो है नहीं, इनके पास इतना दम तो है नहीं डरपोक के पास कि इंटरनेशनल प्रेस, अरे इंटरनेशनल प्रेस छोड़ दे भाई, अभिसार या रवीश या वाजपेयी जी या फिर करण थापड़ के सामने बैठ जा,
चल कुछ नहीं तो नहीं, एक आम आदमी के एक सवाल का जवाब दे दे भाई, एक जवान का दे दे। और भाई कौन गाली दे रहा है यहाँ पे भाई? तेरे को गाली देना है ना तो अपने नाम से दे भाई, अपने नाम से गाली दे और अपना पता बता के गाली दे। ऐसा नहीं, हाँ अपने नाम से गाली दे, अपना पता बता के नाम दे गाली दे, ठीक है? ये दूसरों के नाम पे गाली देना आसान है, और तुम लोग आईपीएल पैसे स्ट्राइकर पे लगा के रखा हुआ हूँ। 23 के बाद मैं सबको तुम्हारे एड्रेसेस दूंगा और पैसे देके भेजूंगा। अगर तुम इंडिया से बाहर हो ना तो इनका वीजे वीजे का खर्चा लगा के भेजूंगा। करोड़ों लोगों को तुम्हारे घर के सामने ठहरा दूंगा सालों, करोड़ों लोगों को तुम्हारे घर के सामने ठहरा दूंगा। और एक बात समझ लो, ये जितना चुरा के बैठे हैं इसकी सारी डिटेल मेरे पास पड़ी हुई है, इनके अकाउंटों की सारी डिटेल पड़ी हुई है। छोड़ूंगा नहीं, सब उखाड़ लूंगा इनके पास से। रमजान मुबारक सबको, रमजान मुबारक। रोजे की हालत में अभी मेरे को कि यूएस की रिपोर्ट के बारे में पता चला और टाइम्स की डिटेल रिपोर्ट के बारे में जब पता चला तो मेरे से रहा नहीं गया, ये बताना जरूरी है। और एक बात याद रखो, नरेंद्र मोदी अब हो गया, 6 चरण हो गए, अब ये 7वें चरण के लिए 3 टाइम फोड़ूंगा तुम्हारी, 3 टाइम आऊंगा, 3 टाइम फोड़ूंगा, 3 टाइम फोड़ूंगा। भाजपा गई, नरेंद्र मोदी रह गए, अब नरेंद्र मोदी तुम्हारी 3 टाइम फोड़ूंगा। दिन में 2 टाइम आ रहा था, अब 3 टाइम आऊंगा और 3 टाइम फोड़ूंगा। और भाई साहब जिन जिन को तकलीफ हो रही है ना, पहले अगर तुमको देश से मोहब्बत है तो पहले देश को सामने रखो, देश की गरिमा को सामने रखो। अपने आप को अगर भारत माता का बेटा कहते हो तो वो भारत माता को सामने रखो, अपने आप को सामने मत रखो। ये मोदी को सामने मत रखो, ये